अभी सीन ये है कि सुबह के 7:15 बज रहे हैं। अभी मैं पूरा पैकिंग अपना सब कुछ करके रेडी हो चुका हूँ। बाहर गाड़ी आ चुकी है, टैक्सी आ चुकी है। निकल रहा हूँ मैं दिल्ली रेगा के घर पे। और थोड़ा सा यार एफ हो गया यार कि रात में स्ट्रीम के बाद मैंने सोचा था कि पैकिंग करूँगा, व्लॉग बनाऊंगा, आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं वैलोरेंट खेलने के लिए बैठ गया और फिर उसके बाद पूरा स्केड्यूल ख़राब हो गया। 3:15 बजे उठा, 4 बजे तक पैकिंग किया, 4 बजे सोया, 6:30 बजे उठा अभी, और अभी 7:15 हो रहा है। और अभी पूरा जो है पैकिंग यहाँ पे सब कुछ ऊपर ऊपर से डन कर रहा हूँ। जैकेट, लैपटॉप, बैग, जिसमें हम अपना ग्रूमिंग किट और स्ट्रीमिंग किट और सारा सामान, वो सब चार्जर वगैरह रखेंगे। इसमें सिर्फ लैपटॉप और चार्जर और हेडफोन है। ये छोटा सा ट्रॉली बैग लेकर हम जा रहे हैं और इसके अंदर हमारे सारे कपड़े रहेंगे। बाकी सब तो सेट है। अभी बस मुझे अपने एक दोस्त को और लेना है, वो दिल्ली जा रहा है, तो मैंने सोचा कि उसको साथ में ले लेते हैं। रास्ता आराम से कट जाएगा, बस उसको लेते हुए और मम्मी पापा को बाय करते हुए दिल्ली निकलते हैं। टू रेगा हाउस, रेगा हाउस टू पर्व्स हाउस, पर घर है तो पर्व होना चाहिए। तो अभी के लिए हम लोग जो है जल्दी से अपनी पूरा रैप अप करते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, सामान रखवा दिया गाड़ी में और अब हम लोग जा रहे हैं। बाय। तो अभी जल्दी से हम लोग निकल चलेंगे, ऑलरेडी लेट हो गए हैं। बाय 10 AM हम लोगों को पहुंचना था, लेकिन ये सब अम्मी वॉलेट रह गया। अभी हम लोग जाएंगे अपने दोस्त को सीधा पिकअप करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से स्ट्रेट अप गो टू दिल्ली। चलिए, बाय बाय। जब से मैं उठा हुआ हूँ, जब से मैं हौले हौले बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा धीरे धीरे। घर पे तो इसलिए कर रहा था क्योंकि घर पे बच्चे अच्छे सो रहे होते हैं, उनको उठा दिया अगर गलती से तो एक तो उनकी आफत, ऊपर से बहन की डांट की आफत कि उनको उठा दिया, क्योंकि बहन की भी नींद ख़राब हो जाती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा बंधा हुआ है अपना, अभी तक बाहर नहीं निकला हूँ उस डर से। तो खैर, असली स्ट्रगल ये है कि रेगा ने मेरे को मैसेज किया कि अगर पहुँचने में कोई दिक्कत हो तो पापा को या उसकी बहन को कॉल कर लेना। इसका मतलब नवाबजादे ने पहले ही ये समझ लिया है कॉल करने के ऑप्शन नहीं है। मुझे 10:30 बज जाएगा आराम से, 10:30 या उससे ज़्यादा, क्योंकि रोहिणी जाना है मुझे, मतलब पूरा काफ़ी दूर है तो टाइम तो लगेगा ही। तो लेट्स सी, आई होप कॉल ना करनी पड़े, लेकिन अगर कॉल करनी पड़ेगी तो मैं उसके पापा को तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो खैर, एड्रेस तो है हमारे पास। यहाँ पे अभी बज गए हैं 7:10 और हमारा दोस्त अभी तक आया नहीं। बहुत ही प्यारा मौसम है यार, बहुत ही प्यारा मौसम है, मतलब अल्ट्रा प्यारा मौसम। साग डिक्की खोलूं कि इतना सामान क्या है, शर्म नहीं आ रही है? अरे सामान कुछ नहीं है, बस वो पुराने कपड़े जो देने हैं वहाँ पे। किन को देने? अरे वहाँ पे हैं एक जामिया के कुछ लड़के जो वैसे ही थोड़े बैठा आगे। तुम कुल मिला के 7 मिनट लेट हो, पता है हो गया भाई। इसकी जिप अटक गई यार, ये देख ना, इसे तो और लेट हो गया मैं, तब से जिप निकाल रहा था। ये कॉलर हालात बहुत खराब। खैर मैं कह रहा था भाई कि वैसे तो नितिन वाले भाई से कह रहा था कि वैसे तो हम लोग जो है रास्ते में रुक के चाय पीते हैं, पर तबीयत कर रही थी कि जो है चाय पी के रास्ता पकड़ा जाए। हाँ। हम्माद मेरे अलीगढ़ में कैमरा हैंडलिंग ये कर रहे हैं आजकल। मेरे बल है वो। हाँ, इनके हाथ में बस एक गिटार हो जाना चाहिए। दो चीज़ें हो सकते हैं, या तो ये कि पेडलर हो सकते हैं या फिर ये गिटारिस्ट हो सकते हैं, लीड। गिटार आता नहीं मुझे। हाँ, पुलिस पकड़ लेगी यार पेडलर। तो अभी यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं शादी पे, जिन लोगों को नहीं पता बहुत मस्त जगह है ये। पनीर फलाना ढिकाना और समोसा कचौड़ी पूरी ये वो सब भाई एक नंबर सामान मिलता है, एक नंबर। कौन सी जगह है ये?
कौन सा लड पूरा एलयूडी लड अच्छा लड हाँ भाई चलो बाय बाय सिया। तो अब हम लोग निकल रहे हैं रोहिणी के लिए रिंग रोड से, सटासट पहुंच जाएंगे आधे आधे घंटे 40 मिनट में, और फिर जाके सुकून से बैठा जाएगा रेखा साहब के पास। अभी हम पलटी मार के बैठे हुए हैं। मैं कह रहा था रुको मतलब टकरा जाते गेट पे तो फंसा मत। अरे ये क्या स्ट्रीमिंग रूम दिमाग खराब है क्या? गाड़ी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी वाले कोरोना होते हैं। तो यहाँ जा डर रहे हैं तुम लोग, तुम मानो। अरे जा, मैं ना जीत के आता हूँ। कौन कौन खेल रहा है? लाइब्रेटी को, जैसे कि होटल और वो मर्सी। हाँ अबे डिस्कॉर्ड पे बड़ी बेइज्जती होती है भाई, ये लोग मेरे पावर ही नहीं है। मैग्नेटिक तुमने कनेक्ट नहीं किया क्या मॉनिटर अभी तक? मॉनिटर अभी भी कनेक्ट नहीं किया? कनेक्टेड था, फायदा नहीं था ना उसका, मैं यूज नहीं करता। तुम्हारे में भी यही लोचा है क्या? बीच में दो टांगे फैला के बैठनी पड़ती है क्या? नहीं नहीं मैं ऐसे बैठता हूँ, टेढ़ा बैठता हूँ, चलेगा। किसका हालात देख लो भाई, ये मेरा वेलकम है, सामान रखा हो खेल लें। आइए और मामा, मामा मास्क, मेरा मास्क लगा हुआ है, ये नया तरीके का मास्क है दिल्ली में। सीट बेल्ट मास्क देख रहे हैं? देख हां, मतलब नया। अब देखो तुम्हें बता दो, यहां से आगे है मैं थोड़ा सा ना, मेरे को भी इधर का मालूम नहीं है, तो मैं बताता हूं। क्योंकि मेरे को यहां से लेके ना मैक्स टू मैक्स 2-3 सेक्टर का पता है, उसके बाद मैं भूल गया हूं, क्योंकि मैं घर में रहने वाला बच्चा था शरीफ। तो गाइस हम लोग रेखा के घर पे जब पहुंच गए थे, उसके बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया, उसके बाद हम लोगों ने उठाया मिस्टर पाल को, मिस्टर देवेश को, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ इन लोगों के साथ, और मैं आ गया हूँ यहाँ पे इन लोगों के साथ। अच्छा, अरे एक और है क्या? एक और भी है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे एक को भूल गया मैं, बाकी सब सही है। तो अभी हम लोग ऐसे ही घूमने निकले हुए हैं, हम लोग शायद सीपी जाएंगे अभी, और वहाँ पे जाके रेगा को बहुत सारी शॉपिंग करनी है। भाई भाई कुछ नहीं करना है मेरे को। तो अभी यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा हमें सीपी पहुँचने में? करीबन 20 मिनट 25 मिनट। नहीं नहीं 25 मिनट। यार मेरे को बता रहे क्या? तेरे को घर का रास्ता सही से पता है? और हाँ भाई, ओ हेलो ट्रेंडिंग, हेलो कब्जा बोलते हैं भाई, ट्रेंडिंग हो रही है भाई, पीपल एंड ब्लॉग्स में है ट्रेंडिंग हो रही है। तो हर एक तुम्हारी तो स्ट्रीम ट्रेंडिंग में ही रहती, मेरे तो वीडियो था भाई। आजकल गेमिंग, आजकल इंडियन गेमिंग जो है यूट्यूब इंडियन गेमिंग थोड़ा अच्छा हो गया है, थोड़ा हम लोगों का ख्याल कर रहा है, और स्ट्रीम भी हमारी ट्रेंडिंग में पहुंच रही है। रेगा तुम्हारी भी पहुंच रही होगी ट्रेंडिंग पे? हां, क्यों तुम देख नहीं रहे हो? नहीं मेरी को नहीं पहुंच रही, जब मैं अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था उंगली फंस गई थी मेरी, मेरी उंगली फंस गई थी, तो काफी इस उंगली में दर्द है मेरे, तो बाकी सब ठीक है। रेखा की मम्मी ने इसके ऊपर लगा दिया था, मूव लगा दिया था, सब सही है, बढ़िया है। अभी नहीं, नहीं, तो कुछ कह रहे थे क्या बाबा ट्रेंडिंग पे बोल लाया था? क्या मैं कह रहा था ट्रेंडिंग में क्या कहते हैं, तुम्हारा वीडियो एडिटर ने अच्छा काम करा, अच्छा एडिट किया उसने। यार रोल किसी और का था, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है रोल किसी और का था। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सब बढ़िया है गाइस, सब हक का व्यूज मिला है इसे, हक का व्यूज मिला है, हक का ट्रेंडिंग हुआ है इसका बिल्कुल। कैमरे के सामने कितना फेक बनते हो
मैं कैमरे के सामने फेक नहीं बनता, किसी कैमरे के सामने फेक नहीं बनता, सोल थोड़ी हम। आज रेगा ने गाइस कुछ 82,000 का लेंस भी बुक किया है, तो मैं आपको बता दूं गाइस, देखिए पैसा कैसे बोलता है। दो दिन पहले आईफोन 12 लिया, आज लेंस लिया, ये कहां से आवाज आ रही है यार। तो खैर बज रहा है कान में, तो छोड़ो 40,000 की टी शर्ट अरमानी की वो भूल गए भाई, वो 40,000 की टी शर्ट है गाइस, मैंने भाई 2000 का एक और 1000 का एक जूता जो है मैंने बुक किया, वो भी कस्टम में फंस गया, कस्टम में फंसा हुआ है वो, क्योंकि मैंने अपना मुंबई का एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस डाला था और उनको एड्रेस प्रूफ चाहिए था मेरे नाम का, वो अलीगढ़ का था, वो फंस गया वहाँ पे कस्टम में। तुम्हें कुछ पसंद नहीं है ना यार, नाइकी चलेगा, नाइकी देखना, सर्च करना कहाँ पे होगा, सेक्सी लग रहा है ये ना, हाईनेक ना अबे, हाईनेक मेरे को पसंद है, मेरे को कुछ नहीं पसंद है, कुछ भी नहीं, मतलब ये हाईनेक मिलता मैं ले लेता अभी, वो वाइट वाला, ये दोनों बिल कर दीजिएगा, वाइट वाला और ये। रेगा की शॉपिंग भारी तो नहीं हो गई भाई? बहुत भारी है रेगा की शॉपिंग, भारी हो गई भाई, पाल लटके जा रहा है एक तरफ से। अरे ये कहाँ गए हम? अरे यार रेगा को गाइस इतनी जोर से लगी है, इतनी जोर से लगी, हम देखिए कहाँ आगे खड़े हो गए हैं, मतलब छी भाई, सर्च मार के आया है ये लोकेशन। गाइस हमारी ट्रीट होने वाली है आज, सोल रेगा हमें ट्रीट देने वाले हैं, उनकी वीडियो ट्रेंडिंग में गई थी, पहला ब्लॉग। अबे ओ मैं नहीं दे रहा, तुम दे रहे हो। हेलो, नहीं नहीं तुम दे रहे हो भाई, अगर अब भी अगर ट्रेंडिंग में जाने के बावजूद भी अगर ट्रीट ना मिले ना, अगर ट्रेंडिंग में जाने के बावजूद भी अगर ट्रीट ना मिले ना, तो अगली बार डिसलाइकों पे ज्यादा ध्यान देना। तुम लोग किधर आए भाई? जीटीवी नगर। हम लोग जीटीवी नगर आए, जीटीवी नगर में मैं पहले रहा करता था पिछले साल, तो मैं नहीं पता मैं किधर आया, नगर में रहता था थक के साथ, पीजी में रहेगा, हमें एक 5-star सी जगह नहीं है वहाँ ले जा रहे हैं, चिंदी सी जगह, चिंदी सी जगह तुम ले जा रहे हो भाई, मैं नहीं। अगर मैं अंदर जाकर डिसअपॉइंट हुआ थप्पड़ों पे ले लूंगा तुम दोनों को, ये लेके आया दोनों, ये लेके आया मैं नहीं लेके आया, ये लेके आया। मामा तुम कब से क्या मेहनत करो जरा बताओगे अपने, एक सेकंड भाई, मामा बहुत देर से ट्राई कर रहा है। अरे फोटो क्या, मामा के ब्लॉग में आ गए, हो गया हाँ, ये मामा के ब्लॉग में, मामा के ब्लॉग में आ रहे हैं, मामा के ब्लॉग में आ रहे हैं हम लोग ही ना, इतने ऊपर सक्सेसफुल बन गए ना, तो ये हमारा ब्लॉग करेगा, हम ही करेंगे, क्यों दर्शकों के बारे में भाई का शो, मोहित भाई का पसंद सबकी लाफी सारे भाई का पसंद खेलना, एक एक फोटो मम्मा को कंटेंट मिल गया, मम्मा कंटेंट फुल हाई बोल, दो सेंटीमीटर और लिफ्ट हो जाना मेरा भाई। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, कहाँ है तुम्हारे दोस्त? मेरे दोस्त बज रहे हैं, कहाँ बज रहे हैं? मेरे दोस्त बिल्कुल सही जगह पे हैं, सही जगह पे है, आते चिल करते हैं, चिल करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है, फर्जी जोक मारते हैं, करवाते हैं, 50 फैन पेज बजने लगते हैं गाइस एंड मामा फैन पेज, चलो तुम ये जो ये खाना वेस्ट कर रहे हो
अच्छा सुनो, ये पैक करा के नीचे दे देंगे, तो टेंशन मत लो, खाना वेस्ट नहीं होगा, ये हम पैक करा के नीचे दे देंगे। हमने सोचा यार जगह देख के कि हम लोगों को कुछ आज लंबा टापने का मौका मिलेगा यार, रहेगा पे बिल फटेगा लंबा चौड़ा। इतना खाया, इतना ऑर्डर करा, मात्र 1800 रुपए का बिल आया यार। एक सेकंड, मात्र 1800 किस हिसाब से बोल रहे हो? 1800 का मतलब है एक रुपया अठारह सौ बारी। अभी हमारे वाले हमारे जो है गाड़ी लेकर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। आई डोंट नो, या तो हम गोल्डी भाई से भी मिलने जा सकते हैं, या फिर हम घर भी निकल सकते हैं। मैं सिर्फ 2 घंटा सोया हूँ, हो सकता है कि मैं सो ही जाऊँ जाते ही। गाइस एंड मामा, एंड मामा मैं कह रहा था मामा इधर आओ, मेरे आपसे बहुत प्यारा सवाल। जब आपकी ब्यूटी ट्रेंडिंग में गई थी, खुले नहीं पड़े, जब मामा की ब्यूटी ट्रेंडिंग में गई थी, एंड मामा जब आपकी स्ट्रीम गेमिंग की ट्रेंडिंग में जा रही थी, तब पार्टी कहाँ थी? तब आप ठीक है, नहीं थी। अब मैं आपके हाँ, तो ठीक है, मैं तब आया हूँ जब आपकी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो अब ऐसा करते हैं, कल मामा देगा पार्टी और कल हम चलेंगे अच्छी जगह, सही है भाई, यही यही खर्चा होना चाहिए जिंदगी में। थक क्या बचाएगा, यही खर्चा होना चाहिए जिंदगी में। देखिए गाइस, अभी अभी घर पहुंचे हैं हम, घर आते ही यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो गई है एलगाटो साउंड वेव 3 माइक की। यहाँ पे इनके अल्ट्रा प्रो मैक्स कॉन्करर एशिया फलाना ढिमाका तन्मय भट्ट सेटअप में इनके ऐड होने जा रहा है एक्सटर्नल माइक, अब इनकी आवाज़ और सुरीली लगेगी है? अच्छा ये क्या है? और गुरु ये डब्बा, ये डब्बे में वो लगता है गिफ्ट होता है, देखो ना। नहीं मतलब ऐसे डब्बे गिफ्ट टाइप होते हैं, कुछ नहीं होता है इसमें, क्या है तार है। हाँ ऐसे ही होता रहेगा ये, ऐसे ऐसे बोलो, पास आके बोलना पड़ेगा, बोलो ना और चल रहा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ऐसा मेरे को बनाना पड़ेगा यार, बेटा तो तू बेटा उसकी का गिलास खा गया भाई, तो मजा ही नहीं आ रहा। तू ज्यादा दिमाग मत लगा, क्या फेंक दे, इसको फेंक दे, ये वाला खा रहा है। हां वो इसको फेंक दो, और बाद में इसको फेंक दे, क्या मैं क्यों पीऊंगा भाई, एक ही ग्लास है इसमें। बाबू जूजू पी ले क्या? बस ये ओ वाले तुमने एक्सप्रेशन दे दिए हैं। क्या बोला भी? अच्छा उसके आगे नहीं बोला कुछ? अच्छा बंद में बोल। अभी हम लोग वापस आ गए घर पे, अभी एकदम से प्लान बन गया कि वैलोरेंट खेलने का, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं नींद आ रही, जबकि मैं सुबह 4 बजे से जगा हुआ हूँ अभी तक। और अभी हम यहाँ पे सेटअप करके बैठे हुए हैं, बेड पे ही अपना लैपटॉप लगा दिया है, रेगल टॉस यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने सेटअप पे, डोंट डिस्टर्ब मी, हालात देख लो। एक गेम खेलेंगे क्योंकि मुझे पता है उसके बाद लैपटॉप मेरा हक देगा, तो अभी हम लोग खेलेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। सुबह प्लान बनाया है कि 5 बजे उठा जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा प्लान बना है कि वहाँ सुबह पंडित जी जाएंगे कोई कचौड़ी खाने के लिए, क्या पराठे खाने के लिए जाएंगे पाल के साथ बनाए, तो लेट्स सी वो सुबह होती है या नहीं। वैसे मैं तो भाई ये कर सकता हूँ कि मैं 5 बजे तक सुबह जग जाऊँगा पराठे खा के, 5 बजे अगर जगे और पराठे खा के सो, हाँ उसके बाद ऐसी नींद आती है ना, शाम तक नहीं उठोगे। नहीं नहीं फिर आंटी से कह देंगे, वैसे डाल देंगे, बहुत हैवी पराठा होता है फिर बहुत। कोई बात नहीं, उठ जाएंगे 12 बजे तक उठ जाएंगे। तो गाइस हम लोगों ने अपना मैच खेल लिया वैलोरेंट का, मैंने एक मैच खेला था, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया अपना लैपटॉप क्योंकि वो फिर मैं सही से बैठ नहीं पा रहा था,
तो इतना स्ट्रगल से हो नहीं पा रहा था। गेम खेलते हैं यार मज़े के लिए, स्ट्रगल के लिए थोड़ी खेलते हैं। फिर वैलोरेंट खेला रेगा ने थोड़ा देर, कुछ और देर खेला और फिर अभी के लिए वो चला गया लेटने के लिए। और अब मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि यार अब मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मैं भी जा रहा हूँ अब लेटने के लिए। और इसी के साथ आज का पूरा दिन अब ख़त्म हो रहा है 2:03 पे। तो मैं 6 जो सुबह उठा और फिर उसके बाद निकला मैं, और फिर उसके बाद से पूरा ट्रैवल, फिर दिल्ली में घूमना, सब कुछ करना। एक बार को प्लान हुआ था रेबेल के साथ और गुरली भाई के साथ भी कि 9-10 रात में कि निकलेंगे और मिलेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया इवेंचुअली। लेकिन अब देखते हैं कल किस तरीके से शेप अप करती चीज़ें और क्या क्या होता है कल। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली बार अगले ब्लॉग में अगली कहानी के साथ अगले दिन। देखते हैं क्या होता है, दिल्ली क्या क्या चीज़ें लाता है और देखते हैं किस तरीके से चीज़ें शेप अप करती हैं। टिल देन आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, लव यू ऑल एज ऑलवेज। आप लोग जितना प्यार देते हो हमेशा से, आई हैव बीन मोर देन वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। इस बार भी उतना ही प्यार देना, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में। एंड अगर पसंद आए तो शेयर करना लोगों को एक्सपीरियंसेस एंड ऑल सब कुछ सारी चीज़ें। टिल देन लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड नाइट गाइज, टेक केयर, बहुत सारा गुड बाय गाइज।